मौजूद है हमारे साथ सुमित। अच्छी रिकवरी मार्केट्स में आई है और होप ये करते हैं कि जो स्टॉक आप बताएं वो भी अच्छे गेंस दे आज व्यूवर्स को। कौन सा स्टॉक आपने चुना है? शुक्रिया दीपाली, कोशिश यही रहती है कि अच्छे ही शेयर निकाले जाए, बताए जाए निवेशकों को, यहाँ पे अच्छे रिटर्न हो। BSL लिमिटेड टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, भीलवाड़ा ग्रुप की एक बड़ी कंपनी के तौर पर से देखा जाता है। इसको चुना गया है, चुनने की वजह सबसे पहले तो एक इस कंपनी को चुनने की वजह इसके नंबर्स अच्छे हैं, एक परसिस्टेंट नंबर दिए हैं, डेट फ्री कंपनी है, कैश साउंड है, करीब 21 रुपये की कैश EPS है, 70 रुपये का शेयर कामकाज कर रहा है, करीब 21 से 22 रुपये कैश EPS है, अपने आप में ही इस कंपनी की वैल्यू दिखाता है। पिछले क्वार्टर के नंबर्स की अगर बात करें तो मुनाफा 55% बड़ा था YOY बेसिस पे, और वही सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो वहां पर भी 13-14% तक का उछाल देखने को मिला, तो ऑपरेशनली भी और बॉटम लाइन के लिहाज से भी अच्छे नंबर आते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, इसे कोई इंटरेस्ट पे आउट भी कंपनी नहीं करती है, एक साउंड जो स्ट्रक्चर है कैश फ्लोज का लगातार कंपनी मेंटेन रखे हुए है। विंड पावर कारोबार जो कंपनी का है वो भी अब घाटे से मुनाफे के अंदर लौट चुका है, EBITDA फ्रंट पर वहां पर भी जो नंबर है वो मुनाफे में आते हुए दिखाई पड़े हैं, बुक वैल्यू के बेहद करीब कामकाज कर रहा है, करीब 80 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है और 19 करोड़ के आसपास ही शेयर भी कामकाज कर रहा, तो एक अच्छी वैल्यू भी इससे क्लियर होती है, और रिसेंटली जो करेक्शन देखने को मिला उसके बाद और अच्छे वैल्यू इसमें बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डॉलर के अंदर लगातार स्ट्रेंथ है, डॉलर इंडेक्स में स्पेशली, और इस तरह से डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिली, टेक्सटाइल कंपनी से जो रियलाइजेशन है वो भी इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का कैश साउंड है और साथ साथ जो एक फंडामेंटल कॉल्स, क्योंकि लगातार फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट्स को रिफर किया जा रहा है, पहले 70 रुपये टारगेट से फिर उसको रिवाइज किया गया 75 रुपये, अब 85 रुपये के लेटेस्ट टारगेट के लिए एक रिपोर्ट आई थी, 7 रुपए की EPS है और करीब करीब 11 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा था। फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट जो रिफर की गई है वो 85 रुपए के टारगेट देख रहे हैं और टारगेट आपके अचीव हो चुके हैं सुमित, इनफैक्ट टारगेट को भी ओवरशूट किया है स्टॉक ने, 85 के लक्ष्य की सुमित ने बात कही लेकिन स्टॉक ऑलरेडी अब 86.50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है दिन के उच्चतम स्तरों पर, एक वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफी स्ट्रांग हुआ है शेयर में और अब 11.5% की तेजी लेकर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है BSL लिमिटेड का। शुक्रिया सुमित आपका आज का सुपर शेयर बताने के लिए, ऑलरेडी काफी सुपर रिटर्न्स इस स्टॉक ने व्यूअर्स को भी डिलीवर किए भी। लेकिन शर्मा साहब, जिस तरह से आप कह रहे थे कि अभी भी मार्केट्स के लिए जो रोड है आगे की वो काफी उठापटक वाली रह सकती है क्योंकि ब्रेग्जिट के जो रिपरकशंस हैं वो इंडिया पर और इंडियन मार्केट्स पर भी आगे भी दिखते रहेंगे, अब ऐसे में उन स्टॉक्स पर अप्रोच क्या होनी चाहिए जिनका काफी ज्यादा एक्सपोजर है यूरोप की ओर, क्योंकि हम यहाँ पर टाटा मोटर्स, भारत फोर्स, मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स की काफी हैमरिंग देख चुके हैं, लेकिन एक वॉइसेस ये भी हैं कि क्योंकि ऑलरेडी काफी गिरावट इन स्टॉक में आ चुकी है और यहां से अगर थोड़ा बहुत और ये नीचे आए तो शायद इन स्टॉक्स को देखना चाहिए क्योंकि फंडामेंटली कंपनियां ठीक ठाक है, आप किस लॉबी को बिलोंग करते हैं, आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे अभी कुछ और सेशंस के लिए इन स्टॉक्स को या फिर इन डिप्स में थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट भी करने चाहिए शेयर्स? ये जो स्टॉक ऑलरेडी गिर चुके हैं और मार्केट रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वहां पे एक केस बनता है आपको खरीदने का, लेकिन भली बात ही समझ लीजिए कि आगे रिस्क क्या हैं। अभी इस तरह की कंपनियां, उन कंपनियों को दो तरह के रिस्क होते हैं, सबसे पहला ये कि आपका जो करेंसी का रिस्क है वो इमीजिएटली आपको हो चुका है, पाउंड डेप्रिशिएट हो चुका है तो आपकी अर्निंग्स अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करके यहां पे लाएंगे तो भी गिरेंगी, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो भी गिरेंगी, तो उस दृष्टि से ये इम्पैक्ट हो चुका है। लेकिन पाउंड की वीकनेस अभी और भी बाकी है और ये पाउंड की वीकनेस यहाँ से सीधा नीचे नहीं गिरेगा, रिकवर होगा फिर नीचे जाएगा, तो उस दृष्टि से ये कह पाना कि इनके लिए बॉटम है नहीं, पर आप टाटा मोटर जैसे स्टॉक में बाकायदा पोजीशन लेनी चाहिए, बनानी शुरू करनी चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो, और अगर आपके पास है तो आप ऊपर के लेवल पर कॉल राइटिंग करें क्योंकि ये अल्टीमेटली थोड़ा और रिस्क इसमें अभी भी बचता है कि बाद में जब करेंसी और वीक होगी। और दूसरा रिस्क जो बड़ा ही रिस्क है वो ये कि जो यूके बेस्ड कंपनीज हैं और भारत की मेजॉरिटी कंपनी जो यूरोप में हैं वो यूके को बेस बना के चली हैं और उनका जो सामान बाद में यूरोप में जाएगा वो उसके ऊपर 2 साल के बाद अटकलें ये टैरिफ्स आएंगे तो इमिजिएटली वो बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होता, तो उसकी तरफ से वो रिस्क अभी नहीं है, वो रिस्क बाद में आएगा, तो फिलहाल उस रिस्क को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से करेंसी का रिस्क है जो काफी हद तक हो चुका है, थोड़ा और होगा लेकिन ये कोई वजह नहीं है कि आप इनको दोबारा लेना शुरू न करें। लेकिन शर्मा साहब थोड़ी सी वो बात करते हैं कि भाई मेरा कंफ्यूजन का है, शुक्रवार को भी देखा था शर्मा साहब लॉजिस्टिक्स में बाजार ने बहुत इंटरेस्ट शो किया, आप अभी देखिए आपकी स्क्रीन VDII पर है, फिर आप देखिए PNB को, SBI को, टेक्निकली 200 DEMA को रिटेस्ट करना ये हम सब जानते हैं कि ये एक स्ट्रेंथ का बहुत अच्छा संकेत होता है, ये आखिर क्यों हो रहा है बाजार, क्या इन स्टॉक्स में खोज रहा है और क्या आपका इंटरेस्ट बन रहा है इन स्टॉक्स में? देखिए मैं ये मानता हूं कि फंडामेंटल्स
और टेक्निकल्स के अंदर जब आपको दुविधा हो कि क्या चूज करना चाहिए, और अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकल चूज करना चाहिए ऑब्वियसली विद स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस काम नहीं करते इन केस ऑफ अ गैप डाउन ओपन द नेक्स्ट डे। तो ऐसे पोजीशंस में जो आप कॉल्स के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस वक्त जो काफी हद तक जो रिकवरी आप देख रहे हैं, मैं सहमत हूं इस बात से कि ये सेटलमेंट रिलेटेड काफी हद तक होगा, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि यूरोपीय बाजार डाओ जब हमारे यहाँ पे बंद हुआ था, जब डाओ फ्यूचर्स हमारा मार्केट खुला था शुक्रवार को 500 माइनस थे, 200 पॉइंट माइनस रह गए, और उसके बाद में हमने देखा कि अंततः 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ डाओ, और उसके बाद में अभी भी उसके फ्यूचर्स और भी कमजोरी दिखा रहे हैं। यूरोप में भी वही बात हुई है, तो ऐसे केस के अंदर यूरोपीय बाजार खुलने के बाद भी अगर हमारी ये रिकवरी जारी रहती है तो मैं समझूंगा कि इसके अंदर दम कम है, अदरवाइज अभी से लेकर दोपहर तक आप थोड़ा सा पोजीशन को हल्का ही करने का सोचें। जी, अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर हेमंत ठुकराल हमारे साथ हैं। मिस्टर ठुकराल, गुड मॉर्निंग। एक सॉफ्ट शुरुआत के बाद अच्छी रिकवरी भारतीय बाजारों में दिखी है, 8090 के ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, ये रिकवरी यहाँ से और स्ट्रेच हो सकती है, कोई ट्रेड देना चाहिए इंडेक्स पर, या फिर इंडेक्स में अगर कोई ज्यादा कम्फर्ट दे रहा है तो क्या वो निफ्टी बैंक है? देखिए, गुड मॉर्निंग। दो चीज़ें, पहली इम्पॉर्टेंट कि बाज़ार इतना उस दिन नीचे गया, 7930 को होल्ड करके वापस आया, लेकिन 8000 का पुट राइटर्स में अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डटा हुआ है और 70 लाख शेयर्स के करीब अभी भी ट्रेड हो रहा है, तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि बाज़ार 8000 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी जिस लेवल पे बाजार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 8120 मेरे हिसाब से बाज़ार क्रॉस कर पाता है फ्यूचर्स में तो एक दोबारा एक बार रैली देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 8230। तो थोड़ा सा अब रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप अगर आपने नीचे की तरफ से लॉन्ग किया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए 8120 के आसपास, क्योंकि थोड़ा सा एक स्टिफ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पहले सपोर्ट लेवल्स थे। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो ज़्यादा मेरे ख्याल ठीक है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें कोई दोराय नहीं है, अभी भी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो अगर आप प्रेफरेंस पूछें तो बैंक निफ्टी लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेटअप देखें बैंकिंग स्टॉक्स का तो एक्सिस, येस बैंक, स्टेट बैंक, ये तीनों ही बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं अभी भी, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में चांसेस टू गो अप टू 17550 आर मच हायर देन निफ्टी गोइंग टू 8200। तो मेरी प्रेफरेंस बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी लॉन्ग कीजिए, और निफ्टी भी अगर 8120 क्रॉस करता है तो ही एग्रेसिवली लॉन्ग कीजिए अपसाइड।